अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाजमी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 10 जो हमारा चल रहा है उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सेट 10 के हमारे जीके के जो साइंस है, सोशल साइंस है और जो मराठी और इंग्लिश है, ये सारे क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सेट 10 में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं विद ट्रिक्स एंड लॉजिक हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम में सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट 10 में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं हम पूरे के पूरे कवर करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने कवर करेंगे और आगे की वीडियो में इंशाल्लाह ताला बाकी के क्वेश्चन को जरूर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिलो इन ईच क्वेश्चन, इन ईच क्वेश्चन आर गिवन टू स्टेटमेंट 1 और 2। दीज स्टेटमेंट्स मे बी ईदर इंडिपेंडेंट कॉजेज और मे बी इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स मे बी द इफेक्ट ऑन द अदर स्टेटमेंट। रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर चॉइस करेक्टली डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट। यानी क्या कहा गया है कि देखिए नीचे दो जुमले, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, दो बयान दिए गए हैं और ये जो बयान है ना, ये या तो एक दूसरे के कॉज हो सकते हैं, यानी वजह हो सकती है। जैसे एक असर होगा, एक वजह होगी, जैसे बारिश हुई इसलिए छाता लेकर गए। ओके, तो वजह क्या थी, बारिश हुई थी और उसका असर क्या हुआ कि हम छाता लेकर निकले। इस तरह से ये सवाल है कि एक वजह हो सकता है और दूसरा उसका असर हो सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी जुमले अपने अपने आजाद है, दोनों भी इंडिपेंडेंट है और किसी और वजह का ये असर हो सकता है। तो हमको वही पहचानना है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर हैज बीन स्टेडिली राइजिंग। फर्स्ट जुमला है कि चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और दूसरा जुमला क्या है, द प्राइस ऑफ दाल हैज बीन स्टेडिली राइजिंग, यानी दाल की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। तो देखिए चावल की कीमत बढ़, सॉरी शुगर की कीमत बढ़ने से तो दाल की कीमत नहीं बढ़ेगी, या दाल की कीमत बढ़ने से तो शुगर की कीमत नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये जो दो जुमले हैं दोनों भी आजाद हैं और ये किसी एक खास वजह का असर है, कोई वजह होंगी जिसकी वजह से दोनों के प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का वजह और असर नहीं है। ओके, तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या बता रहा है, क्या आंसर है इसका। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट। बिल्कुल भी नहीं कि चीनी की कीमत बढ़ने से दाल की कीमत में इजाफा होगा, नहीं, दोनों भी अपने अपने इंडिपेंडेंट है। स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट। कोई भी कॉज और कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना तो पहला कॉज है ना ही दूसरा कॉज है, और ना ही पहला उसका असर है ना ही दूसरा उसका असर है। दोनों भी जुमले अपने अपने आजाद है और दोनों भी किसी एक खास वजह का असर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी देखिए, बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। ओके, यानी ये दोनों भी अपने अपने आजाद हैं, दोनों की भी अपनी अपनी कॉजेज हैं। बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉजेज। तो देखिए यहाँ पर ये आजाद तो है लेकिन जुमले आजाद है, इनके कॉज, इनकी जो वजह है वो आजाद नहीं है, क्योंकि दोनों का भी शुमार जो है अनाज में होता है, दोनों का भी शुमार फूड में होता है, यानी खाने की चीजों में होता है। तो दोनों भी किसी खास वजह की ही, एक साथ अगर इनकी प्राइस बढ़ रही हैं तो किसी कॉमन कॉज की वजह से ही बढ़ रही होंगी। ये जैसे कभी कभी महामारी की वजह से भी प्राइजेस में इजाफा हो जाता है, जो भी होता है, तो कोई खास एक वजह होगी जब भी दोनों की प्राइजेस में, यानी एक साथ ही जितना भी जो हमारा राशन का सामान होता है या जो भी खाने पीने का सामान होता है, प्राइजेस अगर इंक्रीज होते हैं तो सबकी कीमतों में थोड़ा थोड़ा इजाफा होता है। यानी किसी एक, ये दोनों आजाद तो है अपने आप में लेकिन इनकी जो प्राइस बढ़ने की जो वजह है वो एक हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट देखिए, ईच क्वेश्चन हैज अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट्स लेबल ए बी सी एंड डी। चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकेंड एंड द 2 स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर दो जुमले दिए गए हैं और दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, हमको ये पहचानना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, अ पॉलिटिशियन इज आइदर ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। यानी पॉलिटिशियन या तो ईमानदार होते हैं या बेईमान होते हैं, तो देखिए दोनों भी तो एक साथ नहीं हो सकते, या तो वो ईमानदार होंगे या बेईमान होंगे। तो यहाँ पर आइदर और वाले जो जुमले होते हैं ना, उसके अंदर हमको क्या करना है, देखिए क्या करना होता है, आइदर और वाले में जो पहला वाला होता है ना, जो आइदर के साथ होता है,
उसको हमको करेक्ट मानना है, और जो और के साथ होता है ना उसको हमको रॉन्ग मानना है। यानी पॉलिटिशियन ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट नहीं है। यानी पॉलिटिशियन ईमानदार है, बेईमान नहीं है, हमको ऐसा मान के चलना है यहाँ पर। ओके, तो ये बात कौन से दो जुमलों में बताई जा रही है वही लॉजिकली कंसिस्टेंट होंगे। पहला देखिए, पॉलिटिशियन इज ऑनेस्ट, तो ये करेक्ट है क्योंकि पॉलिटिशियन इज आइदर ऑनेस्ट, आइदर के साथ आया है तो हम इसको करेक्ट ही मानेंगे। पॉलिटिशियन इज नॉट ऑनेस्ट, तो ये जुमला सही नहीं होगा। पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट, ये भी जुमला करेक्ट नहीं होगा क्योंकि और के साथ जो आया है उसको हमको नहीं मानना है। पॉलिटिशियन इज नॉट डिसऑनेस्ट, यानी ये यहाँ पर सही होगा। यानी जो देखिए उर्दू में हम देख लेते हैं क्या है उर्दू में, कि एक सियासतदान या तो ईमानदार होता है या बेईमान होता है, तो पहले जो आता है उसको हमको करेक्ट मानना है कि एक सियासतदान ईमानदार होता है, बेईमान नहीं होता है, ऐसा हमको मान के चलना है। तो ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है कि सियासतदान ईमानदार है, और ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है कि सियासतदान बेईमान नहीं है। तो इस हिसाब से ए और डी लॉजिकली कंसिस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि डी ए जो है लॉजिकली कंसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एन जी आर सीटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर फेसिंग नॉर्थ। यानी जरूरी नहीं है कि ये ए बी सी डी जैसा दिया गया है उस सीक्वेंस में बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। इनका फेस किसी भी तरफ हो सकता है, और सीक्वेंस भी ये वाली नहीं है, उनकी सीक्वेंस भी डिफरेंस है। अब यहाँ पे नीचे सीक्वेंस के बारे में कुछ गाइडलाइन दी गई है, उसके हिसाब से हमको उसको अरेंज करना है। क्या दिया गया देखिए, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड जी। ओके, एफ और जी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। जी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और जो जी कहाँ बैठा है वो बी के लेफ्ट में बैठा है। लेकिन यानी सबसे पहले तो हमको बी की पोजीशन यहाँ पर डिसाइड करनी होगी ना कि बी कहाँ बैठा है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि जी कहाँ पर बैठा है। अब डी जो है ये सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, और डी जो है ये कहाँ पर बैठा है, सी के लेफ्ट में 3रे नंबर पर। लेकिन सी की ही पोजीशन हमको पता नहीं, तो हम डी की कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको सी की पोजीशन निकालनी होगी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ई सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड बी, और जो ई है ना वो किसके बीच में है, बी और जी के एकदम बीच में है। यानी बी और जी के बीच में ई है, यानी ये तीनों लाइन से हो जाएंगे। अब बी के बारे में क्या कह रहा है, बी सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। देखिए बी की पोजीशन एग्जैक्टली बताई गई है हमको क्या है। अब इसके हिसाब से हम बाकी लोगों की भी पोजीशन इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन हमको चाहिए। और एग्जैक्ट पोजीशन हमको किसकी मिल गई, यहाँ पर बी की मिली। क्या मिली देखिए, बी सीट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, यानी बी जो है वो दाएं जानिब एकदम आखिरी किनारे पर बैठा है। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस तरह से 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 है। तो क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि जो बी है ना वो एक्सट्रीम राइट में, यानी जो दाएं जानिब के आखिरी किनारे पर कौन बैठा है, बी बैठा है। ये बी हो गया हमारा। अब उसके बाद हम बी कहाँ कहाँ पर आता है वो देखेंगे, और उसके हिसाब से किन किन जो ये 7 लोगों में से किस किस की पोजीशन बी के हिसाब से बताई गई है हम उसको तय करेंगे। अब क्या कह रहा है देखिए, ई सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड बी, यानी ई जो है ये जी और बी के एग्जैक्टली बीच में है। यानी यहाँ पर जी आ जाएगा, जी और बी के एग्जैक्टली बीच में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिक्स हो गई। अब ई के हिसाब से किसकी पोजीशन दी गई है हम वो देखेंगे, या जी के हिसाब से किसकी पोजीशन दी गई है हम वो देखेंगे। अब क्या कह रहा है देखिए, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड जी, यानी एफ और जी के बीच में 2 लोगों की जगह है। तो 2 लोग छोड़कर मैं एफ ले लेती हूँ, क्योंकि एफ और जी के बीच में तो 2 लोगों की जगह खाली रखनी है ना हमको। तो एफ और जी के बीच में मैंने 2 लोगों की जगह छोड़ दी और एफ को मैंने ले लिया यहाँ पर। अब क्या कह रहा है देखिए, जी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो देखिए जी जो है वो बी के लेफ्ट में 2nd नंबर पर है, बराबर हमने इसको पहले ही रख दिए थे, ये हो गया। अब क्या कह रहा है देखिए, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि डी जो है ना वो किसके लेफ्ट में 3रे नंबर पर है, सी के, लेकिन सी की ही पोजीशन हमको नहीं पता है, तो हम सी की पोजीशन पहले निकालेंगे। अब ई सीट एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड बी, बी सीट एग्जैक्टली एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। ओके,
अब देखिए डी का क्या कह रहा है, डी सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी डी जो है ना वो सी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है। यानी अगर मैं यहाँ पर सी को ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पर सी को लेती हूँ तो इसके लेफ्ट में तीन नंबर पर जगह बचती है। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड वाली प्लेस बच रही है, तो इस हिसाब से सी की पोजिशन यहाँ आनी चाहिए। और डी कहाँ है, थर्ड में है, इसके थर्ड नंबर पर है लेफ्ट में सी के, तो हमने सी को यहाँ पर रख दिए, उसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पर डी की पोजीशन यहाँ आ सकती है। इस तरह से देखिए आपको डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपको लॉजिक लगाना है और इनकी प्लेस जो है आपको डिसाइड करनी है। ओके फिक्स हो गया। अब कौन बच गया हमारे पास, ए बच गया, तो ए की पोजीशन कहाँ पर आ जाएंगी, एफ और सी के बीच में ये ए की पोजीशन आ जाएंगी। तो देखिए सात लोग कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 7। अब सवाल क्या पूछा है, देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ई की जो पोजीशन है वो ए के हिसाब से क्या है। तो देखिए यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ई, तो ई जो है वो ए के हिसाब से राइट में कितने नंबर पर है, 1 2 3, यानी ई जो है वो ए के राइट में तीसरे नंबर पर है, यानी थर्ड टू द राइट आ जाएगा इसका आंसर। तो हम देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही हमको नजर आ रहा है यहाँ पर जो इसका आंसर है, थर्ड टू द राइट जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ओके तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सही जवाब वो क्या है, थर्ड टू द राइट। ओके यानी तीसरे नंबर पर है वो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर, यानी हमको क्या करना है, इसको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए रेनबो है, फिर रेन है, फिर सन है, फिर हैप्पी है, फिर चाइल्ड है। ओके तो यहाँ पर लॉजिकली अरेंज करना है हमको, तो क्या क्या इसका आ सकता है हमको वो देखना है, लॉजिकली अरेंजमेंट में हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। ओके तो देखिए यहाँ पर अगर हम लॉजिकली अरेंज करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले रेन आना चाहिए, यानी दो नंबर का पहले आएगा। रेन होने के बाद जो है सन, यानी बारिश के बाद फौरन अगर सूरज निकलता है तो उसकी वजह से रेनबो नजर आता है, तो यहाँ पर फिर ये फर्स्ट आ जाएगा। रेनबो आने की वजह से चाइल्ड जो है क्या हो जाएगा, चाइल्ड जो हो जाएगा यहाँ पर हैप्पी हो जाएगा। तो पहले बारिश हुई, फिर सूरज निकला, सूरज निकलने की वजह से रेनबो नजर आया, और रेनबो की वजह से चाइल्ड जो है वो क्या हो गया, हैप्पी हो गया। तो 2 3 1 5 4 जो है इसका अरेंजमेंट होगा। ओके तो ये कहाँ पर नजर आ रहा है, देखिए हमको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, 2 3 1 5 और 4, यानी बारिश हुई, बारिश के बाद सूरज निकला, फिर रेनबो दिखा, फिर बच्चा क्या हो गया, खुश हो गया। तो 2 3 1 5 जो है यहाँ पर इसका सही लॉजिकली अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द क्वेश्चन बिलो सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी यहाँ पर हमको जो आंसर फिगर दिए गए हैं, जिसका आंसर दिया गया उनके बीच में हमको क्या करना है, ताल्लुक को पहचानना है, कनेक्शन को पहचानना है, और उसके हिसाब से जो क्वेश्चन दिया गया है ये चार ऑप्शन में से हमको उसका आंसर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो देखिए आप अगर फिगर को गौर से देखते हैं तो क्या नजर आता है, देखिए आपको पहले वाले फिगर में देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है, और दूसरे वाले में सेम टू सेम ट्रायंगल उसके दूसरे साइड में बन गया, यानी उसको कंप्लीट किया गया, एक ट्रायंगल इधर से, दूसरा ट्रायंगल इधर से। तो बस यही चीज हमको ये फिगर में करनी है कि इसको क्या करना है, यहाँ पर हमको इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ऐसा फिगर कहाँ नजर आ रहा है आपको, देखिए सेकेंड वाले में नजर आ रहा है, यानी सेकेंड नंबर का जो फिगर है इसका सही जवाब होगा। तो कहाँ पर है, देखिए सेकेंड वाला फिगर इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आपको जो एनालॉगी वाला क्वेश्चन है लेकिन फिगर दिया गया, तो आपको कनेक्शन को पहचानना है, क्या इनके बीच में ताल्लुक है उसको पहचानना है, और क्वेश्चन फिगर का आपको आंसर देना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अलमारी सोफा और फर्नीचर, यानी कौन सा फिगर जो है अलमारी सोफा और फर्नीचर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अलमारी और जो सोफा है ये दोनों भी किस में आते हैं, फर्नीचर में, यानी इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ये फर्नीचर का बन जाएगा, ये सोफे का बन जाएगा और ये अलमारी का बन जाएगा, इस तरह से ये फिगर जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा फिगर कहाँ पर नजर आता है हम देख लेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अलमारी और जो ये है सोफा जो है किसमें आता है, फर्नीचर में आता है, तो ये जो बड़ा सर्कल है ये फर्नीचर का बन गया, एक अलमारी का हो गया, एक सोफे का हो गया, इस तरह से ये इसका सही जवाब होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंस पी क्यू आर एस एन टी इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 5 जुमले दिए गए हैं इनको सही तरीके से हमको लगाना है, तरतीब में लगाना है, ताकि एक पैराग्राफ बन जाए,
और उसके बाद जो मेन सवाल है उसकी तरफ हमको जाना है। तो पहले तो हम इसको लॉजिक जो हम इसको अरेंजमेंट कर देंगे कि किस तरह से आएगा। तो देखिए क्या है, पांच जुमले हम पहले पढ़ लेते हैं पूरे। देखिए, वरुणा वॉज डिलाइटेड टू सी लॉर्ड कृष्णा एंड अपोलोजाइज फॉर कैप्चरिंग हिज फादर। यानी दरोना देवता कृष्णा को देखकर खुश हुआ और इसके बाप को पकड़ने के लिए माफी मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग फाइव सेंटेंस पी क्यू आर एस एंड टी इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। यानी जो नीचे पांच जुमले दिए गए हैं उनको हमको सही सीक्वेंस में लगाना है ताकि वो एक पैराग्राफ की तरह बन जाए, और सही सीक्वेंस में लगाने के बाद हमको जो मेन क्वेश्चन है उसको देखना है। जैसे मेन क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे ये पी क्यू आर एस और टी, इनको जब सीक्वेंस से हम लगाएंगे तो मेन क्वेश्चन क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर अरेंज रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंज करने के बाद पहला जुमला कौन सा आएगा। अब देखिए इस, तो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आगे जो सेट है इसके अंदर, आगे आपको कम से कम चार से पांच क्वेश्चन इसी पैराग्राफ के ऊपर होंगे, इसी सीक्वेंस के ऊपर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एक ही बार इसकी सीक्वेंस अरेंज करके रखनी है और आगे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बार बार आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना है, बस आपको वहां से क्या करना है उसका आंसर दे देना है। ओके, तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, पहला जुमला है, वरुणा वॉज डिलाइटेड टू सी लॉर्ड कृष्णा एंड अपोलोजाइज फॉर कैप्चरिंग हिज फादर। यानी यहाँ पे देखिए दरोना या वरुणा जो भी है, वरुणा देवता कृष्णा को देखकर खुश हुआ और इसके बाप को पकड़ने के लिए माफी मांगी। क्यू क्या है, देखिए देयर ही वॉज कैप्चर बाय वरुणा एंड टेकन टू हिज किंगडम अंडर वाटर। यानी वही उसको वरुणा ने पकड़ा और पानी के अंदर अपनी सल्तनत में ले गया। आर क्या है, देखिए कृष्णा रिटर्न टू वृंदावन विद नंद महाराज, यानी कृष्णा नंद महाराज के साथ वृंदावन वापस आया। एस क्या है, देखिए एज सून एज द न्यूज रीच लॉर्ड कृष्णा ही रीच टू सेव हिज फादर। यानी जब ये खबर कृष्णा तक पहुंची तो वो अपने बाप को बचाने के लिए पहुंचा। और टी क्या है, देखिए वन डे नंद महाराज वेंट टू हैव अ बाथ इन द रिवर यमुना। यानी एक दिन नंद महाराज स्नान करने के लिए दरियाए यमुना में गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जुमला क्या आएगा, अगर हम सेंटेंस देखें तो सबसे पहला यहाँ पर टी आएगा। ओके, क्योंकि सबसे पहले यही है कि न जो एक दिन जो नंद महाराज है वो कहाँ पर पहुंचे, स्नान करने के लिए दरियाए यमुना में गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए देयर ही वॉज कैप्चर बाय वरुणा एंड टेकन टू हिज किंगडम अंडर वाटर। यानी वही उसको वरुणा ने पकड़ लिया और अपनी सल्तनत में लेकर गया, जो कहाँ थी, पानी के अंदर थी। यानी क्यों आएगा यहाँ पर दूसरे नंबर पर। ओके, अब उसके बाद क्या आएगा, देखिए एज सुन एज द न्यूज रीच लॉर्ड कृष्णा ही रीच टू सेव हिज फादर। यानी जैसे ही लॉर्ड कृष्णा तक ये खबर गई वो अपने बाप को बचाने के लिए पहुंचा, यानी एस यहाँ पर आएगा तीसरे नंबर पर। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए वरुणा वॉज डिलाइटेड टू सी लॉर्ड कृष्णा एंड अपोलोजाइज फॉर कैप्चरिंग हिज फादर। यानी जब वरुणा ने लॉर्ड कृष्णा को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उनके बाप को पकड़ने के लिए उनसे माफी मांगी। यानी पी आएगा यहाँ पर चौथे नंबर पर। और लास्ट क्या आएगा, कृष्णा रिटर्न टू वृंदावन विद नंद महाराज। यानी कृष्णा वृंदावन में नंद महाराज के साथ वापस आया, यानी यहाँ पर आर जो है लास्ट में आएगा। अब मेन सवाल क्या था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंज करने के बाद पहला जुमला कौन सा होगा। तो टी जो है यहाँ पर पहला होगा। ओके, तो टी क्यू एस पी आर ये सीक्वेंस आपको एक जगह लिखकर रख देनी है, फिर इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको आगे चार से पांच सवाल आते होंगे कि दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, इस तरह से। तो आपको ये रीअरेंज करके रख देना है और आगे के सवाल को बस आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है, वापस से रीअरेंजमेंट नहीं करना है। तो टी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा टी। ओके, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर ऑब्टेन व्हेन वी कट द क्यूब यूजिंग थ्री कट्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इन द थ्री प्लेन एक्स वाई एंड जेड। यानी ये जो एक्स वाई जेड प्लेन होता है, जैसे ये क्यूब है सपोज, एक ये हमारे पास एक मकब है या क्यूब है। ओके, अब क्या कह रहा है कि इस पर तीन कट्स, टोटल तीन कट्स लगाए हैं और ये जो तीन कट्स है ना इनको इवनली यानी एक जैसा
डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। अब एक्स वाई और जेड का मतलब क्या होता है, देखिए क्यूब जो है ये थ्री डायमेंशनल फिगर होता है बराबर, यानी सपहल भी, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भी होती है। तो x को हम मान के चलते हैं लंबाई, ओके लेंथ, y को हम मान के चलते हैं ऊंचा चौड़ाई यानी ब्रेथ, और z को मान के चलते हैं हम विथ यानी उसकी चौड़ाई। ओके तो यहाँ पर अगर हम लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों पर तीन कट लगाते हैं, तीन तीन कट नहीं, तीनों को मिलाकर तीन कट यानी एक कट हो गया लंबाई पर, अगर हम इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी अगर इसको इक्वल बांटते हैं तो तीन कट लगा रहे हैं और तीन हमारे पास यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मौजूद है तो तीनों पर एक एक कट आएगा। तो देखिए एक कट लगाने से दो पार्ट बनते हैं। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कट लगाती हूँ तो कितने पार्ट बन गए, ये दो पार्ट बन गए इस तरह से। ओके अब देखिए यहाँ पर भी अगर मैं एक कट लगाती हूँ इस तरह से तो कितने पार्ट बन गए, यहाँ पर भी देखिए एक और ये दो पार्ट बन गए। ओके और देखिए यहाँ पर भी इस तरह से कट लगाती हूँ तो यहाँ पर भी दो, यानी एक्स एक्सिस पे कट लगाने से दो पार्ट, वाई पर लगाने से दो पार्ट और जेड पर लगाने से दो पार्ट। अब टोटल कितने यहाँ पर क्यूब्स तैयार होंगे, छोटे छोटे कितने हिस्से तैयार होंगे, ये हम कैसे मालूम करेंगे, बस इनका मल्टीप्लाई करना है। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, यानी टोटल यहाँ पर आठ छोटे छोटे टुकड़े जो है हासिल होंगे हमको। ओके बस इसी तरह से आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आठ जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। यानी अगर देखिए यहाँ पर चार डायरेक्शन है, ओके ये चार डायरेक्शन की इन्होंने जो नेम है ये चेंज कर दिए, इंटरचेंज हुए आपस में। देखिए ये चार डायरेक्शन है हमारे पास इस तरह से, यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट, ये है हमारा पास नॉर्थ और ये है हमारे पास साउथ। ओके अब क्या कह रहा है, अगर इनकी पोजिशन चेंज हो गई, जैसे ये साउथ ईस्ट यहाँ पर आता है लेकिन ये साउथ ईस्ट क्या बन गया, अभी नॉर्थ बन गया। ओके इस तरह से, और जो नॉर्थ ईस्ट है देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट क्या बन गया, अभी फिलहाल के लिए वेस्ट बन गया। तो अगर इसी सीक्वेंस में अगर हम चेंज करते हैं, जगह इंटरचेंज करते हैं, तो जो वेस्ट होगा वो क्या बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे इजीली नॉर्थ के सामने अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, हमेशा साउथ आता है, और वेस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, ईस्ट आता है। ओके तो ये चार डायरेक्शन इस तरह से हो जाएंगी इंटरचेंज होने के बाद। अब इंटरचेंज होने के बाद वेस्ट क्या बन जाएगा, तो वेस्ट क्या बनेगा, देखिए वेस्ट डायरेक्शन जो है ये साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है, मतलब ये बन जाएंगी साउथ ईस्ट बन जाएंगी। ओके तो वेस्ट क्या बन जाएगा, जब हम जगह इंटरचेंज करेंगे या जो डायरेक्शन है उसको इंटरचेंज करेंगे तो वेस्ट बन जाएगा साउथ ईस्ट। ओके तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, साउथ ईस्ट जो है इसका सही जवाब होगा। तो देखिए साउथ ईस्ट ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके ऑप्शन नंबर सी साउथ ईस्ट इसका सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, दोनों में से कौन सा उसका सॉल्यूशन हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं या दोनों भी नहीं हो सकते हैं, तो आपको वो डिसाइड करना है। तो देखिए सेंटेंस क्या है या जो प्रॉब्लम है वो क्या दी गई, देखिए केसेस ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स आर इंक्रीजिंग, सॉरी फेटिसाइड्स आर इंक्रीजिंग इन स्टेट एक्स, यानी क्या है, रियासत में लड़कियों की जेनेन कशी के वाकियात में इजाफा हो रहा है। तो इसके लिए हम इसका लाहे अमल या इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट देखिए क्या है, पीपल शुड स्टॉप ईटिंग वेस्टर्न फूड, यानी लोगों को वेस्टर्न फूड नहीं खाना चाहिए। अब वेस्टर्न फूड का और लड़कियों के साथ जो बदसुलूकी है उसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके तो ये बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं है इनका कहीं भी, तो ये तो नहीं हो सकता इसका जो सोल्यूशन है वो। पीपल शुड स्टॉप वॉचिंग वेस्टर्न मूवी, यानी लोगों को वेस्टर्न मूवी देखने से रोकना चाहिए। तो देखिए ऐसा भी नहीं है कि अगर मूवी देखने से रोक दिया जाए तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है, जरूरी नहीं है। तो दोनों भी यहाँ पर इसके सोल्यूशन नजर नहीं आ रहे हैं। ओके तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो क्या होगा, देखिए देखिए ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन फॉलो, तो जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, वेस्टर्न फूड रोकने से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा। ओनली टू फॉलोज, मूवीज वेस्टर्न मूवीज को देखने से अगर रोका जाए तो भी नहीं निकलेगा। इधर वन और नौ और टू फॉलोज, यानी दोनों में से कोई भी एक अगर हम अपना ले तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, तो देखिए दोनों में से कोई भी यहाँ पर लागू नहीं होता है इस प्रॉब्लम के सही सोल्यूशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम उसी तरह से है, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम दी गई है और दोनों में से उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो हमको डिसाइड करना है। अब प्रॉब्लम देखिए क्या है, द रेप केसेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में जो रेप केसेस है वो उसमें इजाफा हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है या इसकी वजह क्या हो सकती है। यहाँ पर ये दिया गया, द गर्ल शुड बी स्टॉप फ्रॉम वियरिंग जीन्स, यानी लड़कियों को जीन्स पहनने से पाबंदी लगा देनी चाहिए तो रेप केसेस कम हो जाएंगे। या ऑप्शन नंबर बी देखिए, गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू लीव हाउस आफ्टर 6 PM, या लड़कियों को शाम के 6 बजे के बाद घर से निकलना अलाउड नहीं करना चाहिए, उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए तो रेप केसेस कम हो जाएंगे। तो क्या शाम के 6 बजे के बाद ही रेप केसेस बढ़ रहे हैं या शाम के 6 बजे के बाद ही रेप होते हैं, जरूरी नहीं है, दिन के किसी भी पहर में हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पर ना तो फर्स्ट इसका सही सोल्यूशन लग रहा है ना ही सेकेंड इसका सही सोल्यूशन लग रहा है मुझे। ओके तो देखिए इसका भी जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ना इधर वन नॉर टू फॉलोज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेवेंथ फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रो, यानी एक लाइन है लड़कियों की, कतार है, उसमें जो दीप्ति का नंबर है वो लेफ्ट से नाइन्थ है और राइट से सेवेंथ है, तो उस कतार में टोटल कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए मैंने इसका एक सीधा सा फॉर्मूला आपको बताया था, जो रहमान सर का चैनल है उस पर जो मैं रीजनिंग की सीरीज चला रही हूँ उसमें हमने देखे थे ये। तो इसके अंदर हमने क्या देखे थे कि जो अगर हमको लेफ्ट और राइट से पोजीशन दे दी गई है और टोटल मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, उसका फॉर्मूला है टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसके हिसाब से आपको लेफ्ट से कितवा है, राइट से कितवा है या टोटल कितने हैं ये सब आप आराम से मालूम कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए हमको टोटल मालूम करना है, लेफ्ट से उसका नंबर है नौवा, राइट से उसका नंबर है सातवा, इसमें से माइनस वन करेंगे तो देखिए ये होते हैं 16 माइनस वन, कितने हो जाएंगे ये 15, यानी उस कतार में टोटल कितने स्टूडेंट है, उस कतार में टोटल 15 स्टूडेंट है। ओके तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन है, तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन जो है एक ही इन्फॉर्मेशन के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको थोड़ा टाइम भी लग जाता है अरेंज करने के लिए, तो आप इसका भी क्या करिए, जब आपको रफ पेज जो मिलता है उसके ऊपर एक अच्छी सी जगह पर आप जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसकी सीक्वेंस लगा कर रखिए, फिर आगे के जो सवाल आते हैं बस आप उसी को देख कर करिए, तो आपका टाइम भी कम बचेगा और आपके आंसर भी परफेक्ट आएंगे। ओके तो देखिए यहाँ पर क्या है, ओनली टू पर सॉरी स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन, अब हमको यहाँ पर इसका अरेंज करना है और सवाल का जवाब देना है। अब क्या है देखिए इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 7 persons ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सीटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यानी ए बी सी डी ई एफ और जी एक लाइन में बैठे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी सीक्वेंस में है। ओके अब ओनली 2 persons सीट बिटवीन एफ एंड जी, यानी एफ और जी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, जी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जी जो है वो बी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर है लेकिन पहले हमको बी की पोजिशन निकालनी होगी, डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी और डी जो है वो सी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है तो इसके लिए हमको सी की पोजीशन निकालनी होगी, ई सीट एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड बी और ई जो है वो जी और बी के एग्जैक्टली बीच में है, बी सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, तो अब बी की एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर बता दी गई है तो इसके हिसाब से हम पूरे के पूरे जो पर्सन है उनकी पोजिशन आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 7 लोग हैं, ओके 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और क्या कह रहा है कि बी सीट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो, यानी दाएं जानिब किनारे पर बी बैठा है। ओके ये फिक्स हो गया हमारा, अब क्या कह रहा है देखिए, ई सीट एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड बी, यानी ई जो है ये जी और बी के एग्जैक्टली बीच में, यानी इस तरह से आ जाएगा फिर ये। ओके अब क्या कह रहा है देखिए, ओनली 2 persons सीट बिटवीन एफ एंड जी, यानी एफ और जी के बीच में 2 लोगों की जगह है तो यहाँ पर जी आ गया तो यहाँ पर एफ आएगा और इनके बीच में 2 लोगों की जगह बाकी है अभी। ओके जी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो देखिए सेकेंड बराबर बी के लेफ्ट में सेकेंड पर है, डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब डी की बात कर रहा है कि वो सी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है तो अगर मैं सी को यहाँ ले लेती हूँ तो उसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पर यहाँ जगह बच जाती है डी की। ओके क्योंकि सी की पोजीशन हमको ऐसी लेनी है कि उसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पर डी आना चाहिए तो ये 3 ही जगह हमारे पास बची थी जिसमें जी के बाजू अगर मैं सी को लेती हूँ तो लेफ्ट में तीसरे नंबर पर डी की पोजीशन आ जाती है। अब क्या बच गया हमारे पास, ए बच गया। ओके तो यहाँ पर आ जाएगा ए। अब क्या सवाल पूछा है, मेन सवाल क्या है, हाउ मैनी पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ई,
एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये एफ है और यहाँ पर ये ई है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, वन टू और थ्री, कितने लोग बैठे हैं, थ्री लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर थ्री इसका सही जवाब है। देखिए ओके, तो इस तरह से आपको ऐसे सवालात को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या है देखिए, पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ अखिल सैड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी ये मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। अब मेरी माँ का इकलौता बेटा, अब जहाँ पर भी ओनली की बात होती है, मैंने आपको ये भी बताया था ब्लड रिलेशन जब रहमान सर के चैनल पर हमने किए तो उसमें हमने देखे कि जब भी ओनली का वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमको खुद को कंसिडर करना है वहाँ पर, या जो भी कहने वाला है वो खुद कंसिडर होगा। तब यहाँ पर क्या कह रहा है, इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी उसकी माँ का इकलौता बेटा, तो जाहिर सी बात है अकेली उसकी माँ का फिर बेटा होगा ना, जब इकलौते बेटे की बात हो रही है तो वो अकेली होगा। अब उसकी माँ के इकलौते बेटे का बेटा यानी अकील का बेटा हो गया वो, हाउ इज अकील रिलेटेड टू द बॉय, तो अकील का उस लड़के से क्या रिश्ता है, तो वो जो लड़का है अकील का बेटा है और अकील उसके वालिद है, तो यहाँ पर जो है फादर, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ओके, तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी नीचे जो दिए गए जो अल्टरनेटिव है इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है वो पहचानना है, और ऐसी ही एक जोड़ी हमको नीचे से ढूंढनी है उसी ताल्लुक वाली। तो देखिए हॉकी गेम है, यानी उसके बारे में बताया गया है कि हॉकी क्या है, गेम का एक हिस्सा है, यानी गेम है वो। वैसे ही फूड और होटल के, फूड होटल है या होटल फूड है, बिल्कुल भी नहीं। लैटिन लैंग्वेज है, जी हाँ लैटिन एक लैंग्वेज है, यानी लैटिन के बारे में बता रहा है कि लैटिन एक लैंग्वेज है। कट सीजर, यानी सीजर का काम बताया गया है यहाँ पर कि सीजर से कटिंग का काम होता है। कप और टी, तो टी और कप में भी जो ताल्लुक हॉकी और गेम में है वो ताल्लुक नहीं नजर आ रहा है, लैटिन लैंग्वेज है ये ताल्लुक हॉकी, जिस तरह से हॉकी एक गेम है वैसे ही लैटिन एक लैंग्वेज है, ये ताल्लुक हमको यहाँ पर सही नजर आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। ओके देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया, तो हमने इसका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से किया था, देखिए कुछ इस तरह से 7 पर्सन थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर बी था। ओके बी के क्या कहा गया था हमको, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, हम चाहे तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक्सट्रीम एंड में क्या था हमारे पास, बी था, बी और जी के बीच में कौन था, ई था, यानी यहाँ पर ई आ जाएगा, ये जी आ जाएगा। ओके अब यहाँ पर एफ आएगा क्योंकि दोनों के बीच में कितने लोगों की जगह थी, एफ और जी के बीच में दो लोगों की जगह थी। अब यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर डी आएगा क्योंकि सी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर डी था, यहाँ पर बच गया ए, तो यहाँ आ गया ए। अब क्या कह रहा है देखिए, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ई, अब एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे, देखिए उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये तीसरा सवाल हो गया, एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे, यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो तीन लोग बैठे हैं उनके बीच में, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी तीन इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी क्या असर्शन और रीजन हो सकता है उसके लिए हमको मुतबादिल में से सही जवाब चुनना है। अब देखिए क्या है, असर्शन क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी जो खून बहता है उसको रोकने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स का होना जरूरी है। रीजन क्या है, क्यों जरूरी है, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग है यानी जो जख्म भरने में ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं, इसलिए खून को बहने से रोकने के लिए प्लेटलेट्स का होना जरूरी है। क्या इसका रीजन सही है, ये हमको देखना है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर देखिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि ए और आर दोनों भी सही हैं, यानी अगर हमको कट चोट लगती है खून बहता है तो उस खून को रोकने के लिए प्लेटलेट्स का होना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है कि जो प्लेटलेट्स है वो क्लॉटिंग करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं यानी जख्म को भरने में मदद देते, तो जी हाँ दोनों भी सेंटेंस सही है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए और बी यानी रीजन और असर्शन दोनों भी यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ही है, तो देखिए मेन क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द लाइन, यानी लाइन के एकदम बाएं जानी कौन बैठा है हमको ये देखना है एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो देखिए हमने कुछ इस तरह से ये बनाए थे, तो यहाँ पर जब आपको याद होगा तो यहाँ पर डी था, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन होगा, फिर
डी होगा। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम राइट में बी था और एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारा डी आया था जब हमने इसको अरेंज किए थे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है फिर, यहाँ पर डी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए फिर, डी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा कि डी जो है वो दाएं बाएं जाने लास्ट में बैठेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी डी पर्सन जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जो हमने कहानी देखी थी या जो पैराग्राफ देखे थे उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको भी रीअरेंज करना है हमको, सही सीक्वेंस लगानी है और मेन क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फिफ्थ सेंटेंस, यानी पांचवा जुमला कौन सा होगा रीअरेंजमेंट के बाद, हमको वो देखना है, यानी आखिरी जुमला। तो हमने इसमें देखे थे कि आखिरी जुमला क्या था, यहाँ पर कृष्णा रिटर्न टू वृंदावन विथ नंद महाराज, यानी कृष्णा जो है नंद महाराज के साथ वृंदावन वापस लौटा, ये इसका लास्ट यानी पांचवा जुमला था। तो आर जो है यहाँ पर पांचवा होगा। हमने इसका अरेंजमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं या उसको रीअरेंज करके रख सकते हैं। तो आर जो है इसका सही जवाब होगा, पांचवें नंबर पर आर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड है। थ्री पोजिशन ऑफ अ क्यूब आर गिवन बिलो, बेस्ड ऑन देम फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड अपोजिट नंबर टू इन अ गिवन क्यूब, यानी एक ही क्यूब की तीन पोजिशन दी गई है। अब हमको ये देखना है कि इस पोजिशन को देखकर हमको ये मालूम करना है कि टू के अपोजिट में क्या आएगा। तो देखिए इसको मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम पहले फिगर से जाएंगे, एलिमिनेट करेंगे हम ओके ऑप्शंस को। देखिए जो भी अपोजिट फेसेस होते हैं वो कभी भी एक साथ नजर नहीं आते, यानी 6 और 3 इसके अपोजिट फेस नहीं हो सकते, क्योंकि अपोजिट में यहाँ पर पीछे की साइड आएगा जो भी होगा वो हमको नजर नहीं आएगा। तो यानी 6 और 3 यहाँ से कैंसिल हो गई, ये 6 और 3 एलिमिनेट हो गया। अब बचा 5 और 1, तो देखिए यहाँ पर भी 2 के साथ 1 नजर आ रहा है, यानी हम देखेंगे तो 1 भी इसका अपोजिट फेस नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट फेसेस कभी भी एक साथ नजर नहीं आते। ओके तो यहाँ पर एक ही चीज, एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी 5, यानी 5 जो है इसका अपोजिट फेस होगा 2 का। तो इस तरह से इसको आपको मालूम करना है। ओके तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मेरी भी इसलाह हो जाए। ओके तो देखिए नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। उर्दू मीडियम के सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो। देखिए मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियोस को अपलोड करूं, कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से थोड़ा गैप हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम होने से पहले पहले पूरे पेपर सोल्यूशन और जितना भी सिलेबस है वो कवर करवाया जाए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा से हम लोग कंटिन्यू रहें। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।